चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आज हम लोग पूरे दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट यानी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यानी फार्मास्यूटिक्स में, और इस टॉपिक से आज के टॉपिक में कुछ जीपैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। आज का टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हमें पता है कि जब हम लोग कैप्सूल बनाते हैं दोस्तों तो दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन एक हार्ड जिलेटिन। आज की बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन, यानी जब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल बनाते हैं तो उस सेल का कंपोजिशन एक्चुअल में क्या क्या होता है, हम आज उसकी बात करेंगे और कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो इसके कंपोजिशन में कुल पांच चीजें होती है। सबसे पहला जिलेटिन, जो कि बहुत जरूरी है, जिलेटिन कहां से मिलता है मैं बताऊंगा। और उसके बाद उसका कलरेंट, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट में एक ही तरह का कैप्सूल नहीं आता, ठीक है। आजकल फैशन का जमाना है, कॉस्मेटिक का जमाना है, तरह तरह के लोग आपको मार्केट में दिखते हैं रंग बिरंगे चमकीले चमकते हुए, उसी तरह कैप्सूल भी क्यों पीछे है कॉस्मेटिक के जमाने में, ये भी अलग अलग रंगों में आता है, लाल नीला पीला हरा गुलाबी, हर रंग के आपको कैप्सूल दिखते होंगे। फिर आते हैं तीसरा प्रिजर्वेटिव, क्योंकि कैप्सूल जो सेल है वो एनिमल ओरिजिन से यानी कुछ नेचुरल सब्सटेंस बना है, और नेचुरल सब्सटेंस जल्दी खराब होते हैं बाय द अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, तो माइक्रोब से बचाने के लिए इसमें डालना जरूरी क्या है, प्रिजर्वेटिव। तीसरा कंपोजिशन, चौथा है प्लास्टिसाइजर, देखिए क्योंकि जिलेटिन बहुत सॉफ्ट होता है और हार्ड कैप्सूल थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्यों, थोड़ा सा अगर कड़ा नहीं होगा तो उसके अंदर जब दवा भरोगे तो निकल जाएगा, बह जाएगा, खराब हो जाएगा, तो थोड़ी सी उसको हार्डनेस देने के लिए, थोड़ा सा उसको प्लास्टिसिटी देने के लिए, थोड़ा सा कड़ापन देने के लिए यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर। एंड द नेक्स्ट इज वेटिंग एजेंट। व्हाट इज द वेटिंग एजेंट, जब हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को पाउडर को कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे सॉल्वेंट के रूप में, हमें कुछ ना कुछ उसमें वेटिंग एजेंट को डालना जरूरी है। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि कुल पांच चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप डालेंगे कंपोजिशन हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग फाइव पार्ट्स या फाइव एलिमेंट्स। नंबर वन हेडिंग, नंबर वन है जिलेटिन, नंबर टू है कलरेंट, नंबर थ्री है प्रिजर्वेटिव, नंबर फोर प्लास्टिसाइजर, एंड द फिफ्थ वन इज वेटिंग एजेंट। तो डायरेक्ट डायरी हेडिंग जिलेटिन की बात करते हैं, जिलेटिन कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं। देखिए जिलेटिन जो बेसिकली है वो जानवरों के, अब इंसान के शरीर में भी निकल सकता है लेकिन इंसान के शरीर से थोड़ा सा गंदा लगेगा ना, किसी इंसान की बॉडी से जब खुरा बात करोगे तो वो अच्छा नहीं है। तो एनिमल जो बॉडी होती है, बेसिकली एनिमल्स के जो बोन होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं, उनके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या उनकी जो स्किन होती है, उस स्किन के प्रोटीनियस पार्ट से बेसिकली जिलेटिन निकाला जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, जिलेटिन बनाने का, और भारत में मैक्सिमम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ही होता है, बाहर से मंगाते हैं हम लोग, यहाँ से भेज नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बनता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जो जिलेटिन है वो कहाँ से मिलता है, जितने भी देखिए एनिमल्स हैं उनके स्किन, उनके बोन, उनके मसल्स में जो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू जितने होते हैं, तो उस कनेक्टिव टिश्यू में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर, और उस कोलेजन फाइबर की हाइड्रोलिसिस करके जिलेटिन को निकाला जाता है। ध्यान समझिएगा, कोलेजन फाइबर को हाइड्रोलिसिस करके, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसको टेम्परेचर कूल टेम्परेचर पे ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जिलेटिन हेडिंग है, तो जिलेटिन में क्या लिखेंगे कि जिलेटिन इज द मेन कंपोजिशन ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बोन मसल्स स्किन एंड द कनेक्टेड टिश्यू पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी, ठीक है, किसी भी एनिमल बॉडी से मिलता है। सो इट इज नेचुरल इन ओरिजिन, यानी जो जिलेटिन होता है वो नेचुरल ओरिजिन का होता है। आजकल आप लोग देखते हो तो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ बात, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो कैप्सूल्स है वो नॉन वेज हो गया है ना, होता है कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर कोई कैप्सूल खा रहा है तो वो तो पक्का नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि पक्का की कैप्सूल जो है वो एनिमल से बना है तो वो वेजिटेरियन तो है नहीं। तो एक समुदाय के लोग होते हैं जैन समुदाय के लोग, वो लोग बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके लिए एक चीज प्लान किया गया कि जो लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं तो एक वेज कैप्सूल जो वेजिटेबल से मिलकर बना होता है, वेज कैप्सूल भी अब मार्केट में आने लगा है, उनके लिए बेसिकली वेज कैप्सूल आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो किसका बना होता है वेज कैप्सूल, एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज, ठीक है। तो जो नॉन जिलेटिन होता है, अगर जिलेटिन के बदले में हम चाहें कोई वेजिटेरियन हमको मिल जाए तो वेज कैप्सूल से, आज चलता नहीं लोग कि अंडा वाला केक लेंगे कि बिना अंडा वाला केक लेंगे, पहले ऐसा नहीं पूछता था कोई, बस केक दिया घोटा पीटा, चाहे आप वेज नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब बराबर,
लेकिन आजकल फैशन बदल गया है, तो पूछते हैं आपसे भैया केक अंडा वाला लेंगे कि बिना अंडे वाला लेंगे, उसी तरह से कैप्सूल भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आना शुरू हो गया है। तो नॉन वेजिटेरियन जो है वो एसपीएमसी का बना होता है, क्लियर है। तो हम इसके नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि बेसिकली सम नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल एंड सॉरी वेजिटेरियन कैप्सूल्स आर आल्सो अवेलेबल व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथिल सेलुलोज एचपीएमसी। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कि द जेलेटिन इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कोलेजन प्रोटीन व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे इस पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके जिलेटिन के। जिलेटिन के बेसिकली चार कैरेक्टरिस्टिक्स होने बहुत जरूरी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। मतलब ऐसा कैप्सूल से आप बनाओ जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो, चाइना वाले, अमेरिका वाले, जापान वाले, हर जगह के लोग खरीद सके उसको, भारत वाले भी खरीद सके। और नॉन टॉक्सिक का मतलब है कि वो ऐसा ना हो कि दवा का नुकसान नहीं कर रही है, कैप्सूल से ही खाया बॉडी में खुजली होने लगा, अटकने लग गया, उल्टी होने लग गया, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए पहले प्रॉपर्टी। दूसरी है कि इट शुड बी सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन है तो बहुत से ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो हमेशा जिलेटिन प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल होना चाहिए क्योंकि आपके पेट में जाएगा, ये जिलेटिन कवर फटेगा तभी ड्रग बाहर निकलेगा। फटा पोस्टर निकला हीरो वाली कहानी होगी, तो ये फटा पोस्टर होगा तो हीरो निकलेगा, इसीलिए सॉल्युबल होना जरूरी। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज के साथ ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, लिक्विड बन जाए, और टेम्परेचर ठंडा करने पर ये फिर से सॉलिड हो जाए, यानी ठोस हो जाए। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक क्या करते हैं, अगर आप गर्म करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और ठंडा कर देंगे तो फिर से ठोस हो जाएगा। तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप पहले जब इसको बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इसको बनाएंगे, तो उस समय इसके दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। इनको गर्म भी करना पड़ता है ताकि ये लिक्विड बन जाए और ठंडा भी करना पड़ता है ताकि ये सॉलिड हो जाए। तो इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि द मेन प्रॉपर्टी ऑफ जिलेटिन इज दैट इट शुड बी मेल्ट एट हाई टेम्परेचर एंड इट शुड बी अगेन कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फॉर्म आफ्टर कूलिंग, ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है कि विद वाटर सेमी सॉलिड जेल, यानी जब भी हम जिलेटिन को पानी में मिला दें तो ये एक सेमी सॉलिड कोलाइडल जेल का कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कोलाइडल जेल का रूप लेना चाहिए। आपने वैसे ही लेकर पानी घोल दीजिए तो कुछ ऊपर से गाढ़ा सा होता है तो उसी तरह ये बन जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज सॉल्युबल इन वाटर देन दे फॉर्म द सेमी सॉलिड कोलाइडल जेल। ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी। देखिए जिलेटिन बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकलता है, एनिमल के कुछ स्किन से, कुछ बोन से, तो उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है और वो अलग होते हैं। तो जिलेटिन, यहाँ पे जीपेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिलेटिन दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ये दोनों की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। टाइप ए जिलेटिन एनिमल के बोन से निकाला जाता है जबकि टाइप बी जो है स्किन से। कहां से? बी स्किन से। आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, जीपेट का क्वेश्चन है, ए में बोन है और बी में स्किन है, तो ठीक है आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बीबी है उसका स्किन बहुत प्यारा है। मेरी नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है, जिसकी हुई होगी तो बीबी का स्किन बहुत प्यारा है, तो मतलब बी से स्किन याद कर लेना। जब टाइप बी आए तो बी से बीबी याद कर लो, बीबी से स्किन याद कर लेना, यानी एनिमल की स्किन से निकाला जाता है और ए वाला बी से। इसमें आप अटल बिहारी याद कर सकते हैं, ए से अटल, बी से बिहारी, यानी ए से बोन हो सकता है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे याद करते हैं। दूसरा, टाइप ए जो है जब भी हम इसको हाइड्रोक्यूब बनाता है, कोलेजन प्रोटीन है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो हाइड्रोलिसिस दो प्रकार की होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस और एल्कली हाइड्रोलिसिस। तो ये जो टाइप ए है वो एसिड हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है और टाइप बी जो है एल्कली से। तो इसमें याद करने की दिक्कत नहीं, ए से एसिड, ए और एसिड, तो याद कर लीजिएगा कि टाइप ए जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस या एसिड ट्रीटमेंट से बनाते हैं और बी वाला एल्कली। बस ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीपैट में कई बार पूछा गया है, जिलेटिन ए का, टाइप ए का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है वो पीएच 9 पे आता है और बी का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है वो 4.7, लगभग आधा, 9 का आधा 4.5 और 4.7, तो ऐसे याद कर लेना 9 का आधा 4.5, तो ये करीब जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 9 पे आता है और इसका 4.7, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट के हिसाब से। दूसरा, जीपैट पे कलरेंट के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए, तो हम दूसरी बात करेंगे, जिलेटिन हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरी बात करेंगे कलरेंट।
देखिए कलरेट क्या है कि आपके जो ये होते हैं ये लाइट कलर के होते हैं, लाइट पिंक कलर या होते हैं या ट्रांस व्हाइट कलर के होते हैं। तो आजकल कलरेट का यूज करके अलग अलग कलर डाला जाता है। क्यों कलर यूज करते हैं? पहला तो अट्रैक्टिव लगे, दूसरा एक हमको मैसेज देना होता है। मान लीजिए दवाओं को आइडेंटिफाई करना है, साइड कैप्सूल है, तो मान लीजिए कि कोई हमको अलग अलग हिसाब से कलर कोड हम दे सकते हैं, ग्रीन येलो लाइट, एक अपील होता है, मैसेज टाइप का होता है। तो हम किस पे लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हेडिंग है कलरेट। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे कि द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू कलर द हार्ट सिलेक्टेड कैप्सूल सेल टू इंक्रीज देयर अट्रैक्टिवनेस एंड देयर एक्सेप्टेबिलिटी। थोड़ी सी इसको बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। देखिए दो तरह के हम इसमें यूज करते हैं कलरेट। एक होता है वाटर सोल्युबल डाई और दूसरा होता है वाटर इनसोल्युबल डाई या पिगमेंट। तो दो तरह के हम कलर यूज कर सकते हैं जब भी कैप्सूल बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कलरेंट्स आर यूज्ड, व्हिच वन अमंग देम, व्हिच वन इज वाटर सॉल्युबल डाइज एंड अदर इज वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट। इसके साथ साथ दो कैटेगरी हम और बांट सकते हैं। एक आपने पढ़ा था डाई एजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं डाई एजो कंपाउंड। तो डाई एजो जो होता है वो भी एक पीला रंग का कलर होता है। तो कुछ कुछ कैप्सूल में डाई एजो कलर पड़ते हैं, कुछ में नॉन डाई एजो पड़ते हैं। तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाई एजोनियम कंपाउंड। कलरेंट इज ऑफ फर्दर टू टाइप, वन इज डाई एजो कलर एंड दूसरा नॉन डाई एजो कलर। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जीपेट का, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ कोड दिया हुआ है, हर कलर का अपना एक साइंटिफिक कोड है, आपको वो कोड याद करना है। मैं तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इरिथ्रोसिन, इरिथ्रोसिन का कोड है E127, ये आपको जिबेट्री याद करना पड़ेगा किसी तरह से। दूसरा होता है इंडिगो कैरमीन, इंडिगो कैरमीन ये जो आपका कलरेंट है इसका जो कोड है E132। ठीक है, पहला वाला लाल रंग का होता है, दूसरा वाला आपका कैरमीन जो होता है इंडिगो ब्लू कलर का होता है। और तीसरा है पिनोलिन येलो, इसका कोड है E104। ये कोड आप याद करिए, कैसे याद करिएगा तो 104 जो है वो येलो का। इसमें एक चीज खास है कि इसमें कलरेंट में एक चीज और यूज करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, कलर तो नहीं देता है लेकिन दिस इज एज ओपेसिफायर। ओपेसिफायर क्या होता है कि कैप्सूल में आपने कभी छुआ होगा तो उसमें शाइनिंग होती है, वो चमकता है, लाइट में रखो तो वो चमकता है। तो ओपेसिफायर जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो ओपेसिफायर है जो कि क्या करता है, कैप्सूल के सेल को शाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो हम लास्ट पॉइंट एग्जांपल लिखेंगे तीनों, फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि वी आल्सो ऐड सम अमाउंट ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज अ ओपेसिफायर व्हिच प्रोड्यूस ओपेसिटी या शाइनिंग टू द हार्ट जेलेटिन कैप्सूल सेल्स। ओके, अब तीसरी हेडिंग है फ्रेंड्स प्रिजर्वेटिव। तो सबसे पहली बात कि प्रिजर्वेटिव हम क्यों यूज करते हैं, तो हमको पहला पॉइंट क्या लिखना है कि बिकॉज द जेलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन विद द माइक्रोबियल्स। So from prevent this gelatin cell from microbes, we are using preservatives. और preservative दो सरकारी है, हमेशा यूज होता है, methyl paraben और propyl paraben। तो example लिख लीजिएगा, example है methyl paraben and propyl paraben। Paraben PARABEN actual में वो parabenzoic acid का short form होता है paraben। पूरा नाम होता है methyl parabenzoic acid और propyl parabenzoic acid। तो short form में बोलते हैं methyl paraben। अगर जिपेट के ऑप्शन में आपको पूरा नाम दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होगा कि आज मैंने पैराबेन पढ़ा था या तो पैराबेंजोइक एसिड आ गया, तो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं। अगला होता है प्लास्टिसाइजर। देखिए प्लास्टिसाइजर क्या है, क्योंकि हार्ड जिलेटिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड फॉर्म को ठंडा करने पर खड़ा तो हो जाएगा लेकिन वो लंबे समय तक हार्ड बना रहे, ऐसा नहीं कुछ देर बाद बाहर रखा गर्मी पड़ी धूप पड़ी पिघल गई। तो प्लास्टिसाइजर क्या करना है, इसको थोड़ा सा कड़ा रखता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट से क्या है प्लास्टिसाइजर्स में क्या लिख सकते हैं कि प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड टू मेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रिमेनिंग हार्ड ड्यूरिंग द यूज। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ उसके लिए होता है वो हार्ड बना रहे। इसका एग्जांपल क्या है, सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन, दो एग्जांपल है, सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन का यूज करते हैं हम लोग इसको हार्ड बनाने। ठीक है, अगली बात करते हैं वेटिंग एजेंट की। वेटिंग एजेंट क्या होता है, देखिए कुछ सॉल्वेंट होगा जिसको जिसके अंदर हम जिलेटिन पाउडर को घोलेंगे और लिक्विड बनाएंगे, तो उस समय बनाते समय जो वेटिंग एजेंट है बेसिकली वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, ये नॉर्मल सा है, हर जगह यूज होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट इसका एग्जांपल है, इसका ये हम कभी भी 0.15% से ज्यादा कंसेंट्रेशन यूज नहीं करते।
तो वेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू मिक्स इन द सॉल्वेंट, ठीक है, फॉर मेकिंग द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. द बेसिक एग्जांपल ऑफ वेटिंग एजेंट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड इट विल नेवर बी यूज्ड मोर देन 0.15 परसेंटेज कंसंट्रेशन. ओके, तो ये सिंपल सा था कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल जेल्स हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जीपैट के हिसाब से भी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां से, मैंने वो भी डिस्कस कर लिया आपसे. और आपसे मैं एक बात कहूंगा कि आप जितने चैप्टर पढ़ते जा रहे हो फार्माकोलॉजी के, कोग्नोसी के, मेडिसिनल के और जो भी पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज पहले ही अपलोड कर रखे. तो जब भी आप कोई चैप्टर खत्म कर लिए उसके एमसीक्यू जरूर जाके फोल्डर में सर्च करिएगा, एमसीक्यूज के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उस पर पढ़िए और उसको सर्च करिए. दो तीन एक चैप्टर के दो तीन क्वेश्चन, यानी कम से कम 70-80-90 क्वेश्चन है. तो अगर आपको मालूम चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी जीपैट के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है. तो ये होगा कंपोजिशन. लास्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपसे मैच कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. मिलते हैं आपसे क्लास में. थैंक यू सो मच.